अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा है, ठीक है भैया। लुक्का 21 अध्याय के 34 और 36 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर अचानक फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु मसीह ने कहा था, जागते रहना भैया, 2-2 बजे जागते रहना, 3-3 बजे जागते रहना, और जब माँ बाप सब सो जाएं, ठीक है भैया, तो रात में अपने गर्लफ्रेंड के साथ में फोन में लव यू कहते रहना, जागते रहना, साथ में लव यू बोलते रहना, ठीक है भैया, जागते रहना। जब तुम भैया इस कब सब काम लगातार करते रहोगे, ठीक है, तब यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा, तुमको लेकर चला जाएगा। यीशु ने ये नहीं कहा था भैया कि तुम तपाप भी करो और तुम स्वर्ग भी जाओ, तुमको यीशु मसीह स्वर्ग भी लेकर जाएगा। यीशु आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था भैया, जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहना, ताकि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु ने क्या कहा था मुझे नहीं मालूम है, मगर आज मैं एक लड़की को पटाने में अपना कीमती समय गवा रहा हूँ, मनाने में उसको समय गवा रहा हूँ। मुझसे कहीं रुक ना जाए, बोलना ना बंद करते, बस यही हो रहा है आज, बस यही तो हो रहा है। हम अपना समय एक लड़की को पटाने में नष्ट कर रहे हैं, उसको मनाने में अपना समय गवा रहे हैं। यीशु मसीह का मजाक बना के रख दिया गया है। यीशु मसीह है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे लोग आज धरती के ऊपर बोझ हैं, कलंक हैं, यीशु के लिए बोझ हैं। आज लड़की को पटाने में लगे हुए हैं वो मसीही, जिसके लिए परमेश्वर पर भी यीशु ने अपना कीमती रक्त बहा दिया, और वही मसीही बाइबल को पढ़ता ही नहीं है, खोल को ही नहीं, खोलकर ही नहीं देखता है, पड़ी रहती है बाइबल एक कोने में, कभी उसको पढ़ते ही नहीं है, बस लड़की को पटाने में अपना समय गवा रहे हैं। जिसको सुनना है वो सुने मेरे संदेश को। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मैं यीशु मसीह से डरता हूँ, क्योंकि वही मेरा बाप है। आज एक मसीही सोचता है कि मैं पाप भी करूँगा, चर्च भी जाता हूँ और मैं स्वर्ग भी चला जाऊँगा। नो, आप गलत हो। यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। यीशु मसीह उसी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो तैयार होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, उसी को यीशु मसीह बदलकर उठाकर लेकर चला जाएगा। वरना तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है परमेश्वर कि तुम पाप भी करो और यीशु मसीह आपको स्वर्ग भी उठाकर लेकर चला जाएगा। सत्यमान परमेश्वर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा उस नर्क की आग में। मेरा नाम सुजीत कुमार है, सुजीत कुमार। जब आप नर्क में जाओगे तो मेरा नाम आपको याद जरूर आएगा। एक ब्रदर था जो चिल्ला चिल्ला कर बताता था कि पाप मत करो, पाप मत करो, मगर हमने उसकी एक भी नहीं मानी। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, लड़कियों को पटाने में। याद रखना, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप नरक में चले गए तो वहाँ आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। जैसे धनवान एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है एक बूंद प्यास के कारण, वैसे ही आपकी जी बैठेगी एक बूंद पानी के लिए जो आप पाप कर रहे हो। परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर स्वत सिंहासन के सामने, तब वही लिस्ट खोलकर परमेश्वर आपको दिखाएगा। तब वहाँ कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, वहाँ परमेश्वर किसी के ऊपर तरस नहीं खाएगा। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया है उस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, ऐसे ही अपना समय बर्बाद मत करो, वरना इस समय का परमेश्वर एक बदला हिसाब आपसे लेगा, तब उसको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में जलना ही पड़ेगा। अभी सुधर जाओ, वरना रैप्चर होने के बाद अगर आप गलती से भी रह गए तो उसको यहीं पर जिंदा जलना पड़ेगा। इस सूरज की किरणों को परमेश्वर इतना हार्ड कर देगा कि मनुष्यों की चमड़ियां जिंदा ही जलेंगी, जिंदा ही झुलस जाएंगी। मौत मांगने पर भी मौत भैया नहीं आएगी। उसने अपने हाथों में पैरों में कीलें ठुकवाई हैं, आपके पैरों में कांटा चुभ जाता है तो नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, तो वहाँ क्या कैसे बर्दाश्त कर पाओगे भाई? वहाँ सारी गर्मी निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। इसके लिए हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8-10 में लिखा हुआ है, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए
और परमेश्वर के नाम की जिसे इन सब पत्तियों पे अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। मेरे प्रियो, जब चौथा कटोरा सूर्य पर उडेला जाएगा तो जो मनुष्य यहाँ रह जाएंगे कुछ न कुछ पाप करके यहाँ रह जाएंगे उन लोगों को परमेश्वर जिंदा जलाएगा। जिंदा इस धरती के ऊपर उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही जलेंगी, उनकी चमड़ियाँ जिंदा ही सिकुड़ जाएंगी, फिर भी उनको मौत नहीं आएगी। इतना भयंकर दंड देगा परमेश्वर, तब उसको पता चल जाएगा, आपके आँख और कान खुल जाएंगे उस समय। अभी लौटाओ, समय कम है, दिन बुरे हैं, सुधर जाओ, बचा लो, वरना पछताना पड़ेगा बाद में। करो या मरो, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।